न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं बॉलीवुड जगत की कुछ खास खबरें। दुल्हन के लिबास में माहिरा खान ने लूटी महफिल। सामने आया रईस एक्ट्रेस का वेडिंग वीडियो। पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस माहिरा खान का नाम इन दिनों शादी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। शाहरुख खान की फिल्म रईस में नजर आने वाली माहिरा ने हाल ही में बिजनेसमैन सलीम करीम के साथ दूसरी शादी रचाई है। इस बीच माहिरा ने अपनी वेडिंग का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साल 2017 में शाहरुख खान की पॉपुलर फिल्म रईस फैंस के दिलों पर अपनी खास जगह बनाने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान को भला कौन भूल सकता है। मौजूदा समय में अपनी दूसरी शादी को लेकर माहिरा खान का नाम खूब लाइमलाइट बटोर रहा है। लंबे समय तक बिजनेसमैन सलीम करीम को डेट करने के बाद बीते रविवार को माहिरा खान ने उनके साथ शादी रचा ली है। इस बीच माहिरा खान ने अपनी वेडिंग का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। माहिरा ने शेयर किया है शादी का शानदार वीडियो। इन दिनों अपनी शादी को लेकर रईस फिल्म एक्ट्रेस माहिरा खान का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। लाजिमी है भी है, क्योंकि माहिरा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप अदाकाराओं में से एक है। ऐसे में उनकी शादी के बारे में चर्चा लंबी होनी बनती है। इसी बीच मंगलवार को माहिरा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर वेडिंग का लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बार कंसिस्टेंट को सोने के लिए बिस्तर तक नहीं होगा नसीब। सोच से भी परे है बिग बॉस 17 की थीम। बिग बॉस 17 का हाल ही में प्रोमो रिलीज किया गया। सलमान खान ने शो की शुरुआत पहले ही वार्निंग दे दी कि इस बार कंसिस्टेंट को घर में टिके रहने के लिए दिल दिमाग और दम तीनों काम से काम लेना होगा। दर्शक शो के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अब बिग बॉस की थीम को लेकर अपडेट आई है। सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस टीवी सबसे एंटरटेनिंग शो में से एक है। यहाँ प्यार, लड़ाई और कई बार तो मारपीट तक पहुंच जाती है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ बिग बॉस का नया सीजन 17 शुरू होने वाला है। बिग बॉस में होगी दो अलग दुनिया। बिग बॉस 17 की थीम कुछ सीजन 7 जैसी हो सकती है। इस बार बिग बॉस घर को दो हिस्सों में बांटने वाले हैं। ये दोनों हिस्से कंटेस्टेंट के लिए तो अलग दुनिया होगी। बिग बॉस से जुड़ी अपडेट से शेयर करने वाले फैंस पेज ने शो की थीम को लेकर जानकारी शेयर की है। बिस्तर तक नहीं होगा नसीब। बिग बॉस 17 को लेकर आई अपडेट के अनुसार मेकर शो में दो हिस्से करेंगे। वो अमीर और गरीब की थीम पर होंगी। घर का एक हिस्सा लग्जरी लाइफ से भरा होगा, वही दूसरा हिस्सा उसके उलट होगा। सेलेब्स के लिए कोई लग्जरी नहीं होगी, यहाँ तक सोने के लिए बिस्तर तक नहीं मिलेगा। बिग बॉस ने इस बार घर वालों की नींद उड़ाने के सारे इंतजाम किए हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रहस्य और रोमांच के साथ कलाकारों की दमदार अदाकारी। विशाल और तब्बू की शानदार वापसी। खुफिया एक जासूसी फिल्म है। विशाल भारद्वाज ने फिल्म का निर्देशन किया है। मकबूल और हैदर के बाद तब्बू एक बार फिर विशाल के निर्देशन में लौटी है। हालांकि विशाल के साथ उनकी यह चौथी फिल्म है। तलवार को विशाल ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म की कहानी एक जासूस के इर्द गिर्द है, जिस पर गोपनीय सूचनाएं लीक करने का आरोप लगता है। उपन्यासों के सिनेमाई रूपांतर में फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज का नाम अग्रणी है। शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित उनके फिल्म में ओमकारा, मकबूल और हैदर हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में शामिल होती है। अब उनकी फिल्म सुफिया अमर भूषण के उपन्यास एस्केप टू नो वेयर द पर आधारित है। सच्ची घटना पर आधारित इस उपन्यास का नायक KM पुरुष है। हालांकि विशाल का कहना है कि कोई पुरुष कलाकार इस भूमिका को निभाने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने इसे महिला पात्र में परिवर्तित कर दिया। तलवार के बाद खुफिया सत्य घटना पर आधारित विशाल की दूसरी फिल्म है। यहाँ पर भी रहस्य और रोमांस को गढ़ने में वह कामयाब रहे हैं। क्या है खुफिया की कहानी? खुफिया 2004 में सेट है। भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण चुनाव पर गहरी नजर रख रहे हैं। भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत चल रही है। इसमें अंकन सेम की भी दिलचस्पी है। शुरुआत में हम टाका में जासूस ऑक्टोपस से परिचित होते हैं।
आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।